Good morning, dear student. Welcome to online class. This is the class of social science of standard 6. So student, यहाँ पे हमने history का second chapter complete कर लिया है. आज हम उसके exercise को देखेंगे. So यहाँ पर देखिए, first है multiple choice question. So यहाँ पर in India, where the microliths have been found, that is Mysore. Second one is Earth was formed approximately how many years ago? So correct option is 4.5 billion. The middle stone age which lasted from 1000 to 8000 BC is called Mesolithic. Okay. Second question is match the following. So मैंने जो कॉलम ए के मैचेस हैं कॉलम बी में, मैंने उसके सामने नंबरिंग कर दी है. ओके. सो आप यहाँ पर नंबरिंग देख लेंगे और आपको कैसे कॉपी में डन करना है जो इसका करेक्ट है. जैसे फर्स्ट का देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ होमो सेपियंस, तो फर्स्ट का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ आई मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज़. ओके. सो इस तरह से आप इसको यहाँ से क्लियरली सीन करके इसको कॉपी में अच्छे से राइट करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट का है मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन द नियोलिथिक एज. ओके. Smaller refined tools were called microliths. The core tools were pear shaped. Next, flake implements were used as chopper and cleavers. Man used pebble tools in the Paleolithic or Old Stone Age. Okay, so यहाँ पर है आपका differentiation between the following. ठीक है, उससे पहले ये option है, इसको बाद में देखेंगे, अब पहले देखते हैं question number E. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके. सो हमें यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेक्ट करना है. सो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है ह्यूमंस वर फूड गैदर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड. रॉन्ग है, नियोलिथिक पीरियड में नहीं होता है. कौन से पीरियड में होता है? पैलियोलिथिक. कौन से पीरियड में होता है? पैलियोलिथिक पीरियड में. ओके. सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली मैन यूज्ड वाटर. तो वाटर नहीं यूज़ करता, क्या यूज़ करता है वो? फायर, टू फ्राइटेंड ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अर्ली स्टोन एज मैन यूज्ड फाइन टूल्स मेड ऑफ मेटल्स. नो, जो अर्ली टाइम पे थे वो किससे यूज़ करते थे? स्टोन से यूज़ करते थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, इन प्रिमिटिव स्टेज मैन बिगिन टू लिव मड हाउस. मड हाउस में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे. इसके आगे लिखा हुआ है पेंसिल से, आप ध्यान से इसको देखिएगा. नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हेल्प इन द मेकिंग ऑफ पॉटरी. नहीं, ये किस में है? स्टेबल में. तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? स्टेबल. ओके. सो ये आपका क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर एफ है,